छिंदवाड़ा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने नागपुर से छिंदवाड़ा चलाई जा रही ट्रेन को बंद करने की मांग की और लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। विधायक सोहन बाल्मीकि ने कोविड की बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की लोगों को समझाइश दी और नागपुर से छिंदवाड़ा तक चल रही ट्रेन को बंद करने की सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की है। बाल्मीकि का कहना है कि नागपुर से छिंदवाड़ा चलने वाली ट्रेन सबसे चालू हुई है, तब से कोरोना मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आवागमन के कारण छिंदवाड़ा में भी कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। सोहन बाल्मीकि ने इस विषय को लेकर कलेक्टर से भी चर्चा की है। लगातार निरंतर बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हम ये भी निवेदन करना है अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के, कि जो वैक्सीन लगने का जो उम्र का निर्धारण किया है, ये उम्र का निर्धारण को समाप्त किया जाए और हर एक को वैक्सीन दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। हाल ही में मैंने अभी माननीय एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को भी चिट्ठी लिखा है कि जिले में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा हुआ है और जिले के अस्पताल में जो अव्यवस्था बन रही है, पेशेंट को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, बेड भर गए हैं, इसलिए परासिया विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल कोई भी भवन ले, शासकीय भवन ले, डब्ल्यूसीएल का भवन ले, जो भी व्यवस्था बने, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल कोरोना का अस्पताल खोले, चाहे शासकीय तरीके से खोले, पूरा उपचार कोरोना का हमारे परासिया क्षेत्र में होना चाहिए। लगभग 100 बेड की व्यवस्था यहाँ बननी चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी कोरोना के संक्रमण मरीज मिले। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने अभी बीच में कलेक्टर साहब के पास में गया था तो हम लोग का डेलीगेशन मिला था, हमने डेलीगेशन में हम सब लोगों ने कलेक्टर से निवेदन किया था कि जो नागपुर की ट्रेन चल रही है उसे बंद किया जाए, क्योंकि नागपुर से जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उससे काफ़ी प्रभाव हमारे जिले के अंदर में पड़ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।